हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आर के फोटो मैजिक ट्रिक्स। सो हमारे साथ है मिस्टर आर के। सो मिस्टर आर के, अब मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत हो गई पढ़ाई, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, राइट? सो अब आप हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे कुछ सेलिब्रेशन हो, लाइक फायरवर्क्स, यू नो, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, एंड कुछ ऐसा हमें बताइए। ऐसे पूजा जी को देख के लग ही रहा है कि सेलिब्रेशन के मूड में है, तो इन्होंने जैसे कहा है कि हम सेलिब्रेशन के मूड में हैं एंड शी वांट्स टू लर्न हाउ वी कैन मेक फायरक्रैकर्स इन पावर पॉइंट। तो आपने बचपन में रॉकेट जलाया क्या? बिल्कुल। किस में रख के? बॉटल में रख के? बॉटल में रख के। तो कैसे कैसे जाता, कैसे रॉकेट, क्या क्या उसके अंदर क्या क्या होता है? बॉटल होती है, उसके अंदर जैसे ही हम लोग फायर करते हैं तो वो माचिस जलाते हैं। हाँ। तो जब जाता है तो वो क्या क्या दिखता है आपको? एक स्ट्रीक दिखती है, एक स्ट्रीक दिखती है, फायर ऊपर जाता है, फायर होती है और आवाज आती है, ब्लास्ट होता है, ठीक है ना। एनिमेशन में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ मच मोर सिंपलर वे। कि कहीं भी आप जैसे बोलने आते हैं तो आप क्या करते हैं? नॉर्मली यू एंटर, सो एंट्रेंस एनिमेशन का आप देखिए पीछे एंट्रेंस, देन व्हाट यू डू, आप कुछ बोलते हैं, दैट मींस यू एम्फसाइज। तो आप देख रही है एनिमेशन में एम्फसाइज के लिए अलग एनिमेशन हुए हैं, एंड देन यू, जब आप अपना बात खत्म कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं? आइए प्यारे लाल जी चलते हैं। तो आप ये तीन चीजें देखेंगे एनिमेशन में, ऑलरेडी एनिमेशन में ये होती है। तो नाउ हमको क्या करना है, ये नीचे एक जैसे हम जलाते हैं एक एक, हम पहले सबसे पहले तो हमको वो बनाना है लाइट, वो लाइट जो नीचे से ऊपर तक क्या हो रही है, वाइप हो रही है, तो वाइप एनिमेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वो लेते हैं, शेप्स पे जाते हैं, शेप्स पे जैसे हमने आप बहुत कुछ सिखाया हुआ आपको, शेप्स पे जाके एक रेक्टेंगल लेते हैं और जो जब जलता है तो कौन सा कलर होता है उसके अंदर? फायर का ऑरेंजिश येलो, हां बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू राइट क्लिक इट, गो टू फिल, और ये नीचे है ना, ये हमने जो इसकी पूंछ बनाई है, द टेल, टेल इज मेड ऑफ येलो कलर, येलो कलर, ओके। और ग्रेडियंट से जरा खेलना है तो खेल ले, टू मेक इट मोर रिचर। खींच के पतला सा कर देते हैं, बहुत पतला सा कर देते हैं। तो अब ये कर लिया, अब इसके अंदर एनिमेशन क्या देना चाहिए, जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, वाइप होता हुआ जाता है, वाइप होता हुआ। तो हम वाइप दे रहे हैं फ्रॉम डाउन टू अप, जैसे हम एनिमेशन देते हैं तो उसमें इफेक्ट्स भी है कि राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ये जाना है। तो हम पहला ब्लास्ट बनाने के लिए एक गोल चक्कर ले लेते हैं, गोल हमने इंसर्ट पे गए, शेप पे गए, हमने गोल वाला चक्कर ले लिया, और उसके बाद जो फटेगा उसके लिए उससे भी बड़ा एक हम ऐसा करते हैं, एक वो है इसके अंदर सूरज जैसी एक स्टार कहते हैं इसे, 24 पॉइंटर स्टार होता है। एक 12 पॉइंटर होता है, 8 पॉइंटर होता है, बेस्ट वाला। बट वो तो शेप है ना, तो वो ब्लास्ट कैसे होगा? अब आप देखिए ना, अब उसके अंदर एनिमेशन, यही तो एनिमेशन होता है। अब नीचे से ऊपर तक का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब रहा जो गोल है, पहला गोल जो फटेगा वो हम देते हैं उसको राइट क्लिक करके फिल करके ऑरेंजिश दे देते हैं। अब वो जब जरा सा फटता है तो इसके अंदर हम ग्रो श्रिंक का एनिमेशन देते हैं, पर वो प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट विद प्रीवियस, दिस इज आफ्टर प्रीवियस। पहले ये एनिमेशन होगा, फिर ये फटेगा और उसके बाद तीसरा फटेगा, ब्लास्ट होगा। तो हमने ये ऑरेंज दिया और उसके बाद वी विल मेक द थर्ड, जो हमने पॉइंटर स्टार पॉइंटर है, दैट विल अपीयर आफ्टर दिस ब्लास्ट। सो ये हमारे वो थे क्या, थ्री पॉइंट्स थे, नीचे से ऊपर, देन ग्रो श्रिंक, एंड देन ग्रो श्रिंक होने के बाद वो गायब हो जाएगा। सो इट इज हाइड आफ्टर एनिमेशन, ग्रो श्रिंक करके हाइड आफ्टर एनिमेशन, और उसके बाद तीसरा वाला वो भी ब्लास्ट हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं पीछे। सो वी आर गोइंग फ्रॉम बॉटम टू अप, अब यहां तक तो पहुंच गए, इसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है, पहले ऐसे फूटता है फिर बड़ा फूटता है, फिर बड़ा, दो ब्लास्ट होते हैं। और इसी तरीके से जैसे हमने आपको ये फायरवर्क्स बताया,
इसके अंदर साउंड भी होती है, आप साउंड यूज करना चाहे तो इंटरनेट से ले लीजिए, ब्लास्ट की साउंड भी आती है, बहुत कुछ आता है, बहुत सारे जिप्स भी आते हैं। यही जो मैंने आपको सिखाया है यही प्रोसेस यूज होगा। ट्विंकलिंग स्टार भी बना सकते हैं, जैसे हमको बस उसका कलर चेंज करना होगा। ट्विंकलिंग स्टार कौन से कलर का होता है? मोस्टली सिल्वर। और अब हमारे पास ये ट्विंकलिंग स्टार हो गया, पर ट्विंकलिंग स्टार घूमता हुआ जाए उसके लिए हम उसको मोशन पाथ देते हैं। तो मोशन पाथ उसको एनिमेशन में जाके कस्टम पाथ लेके जहाँ जहाँ हमें करना है हम दे सकते हैं, फास्ट जाना है, स्लो जाना है, कैसे भी जाना है। और आप फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमने आर के फोटो मैजिक ट्रिक्स का लोगो बनाया है मोशन पाथ यूज़ करके, पल्स यूज़ करके, ग्लो करके। ये हमारा ग्रैंड फिनाले एग्जिट है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हमने हर चीज़ को एनिमेट किया है, उसको ग्लो किया है और बिल्कुल मैजिकल फैंटेसी का इफेक्ट दिया है। और पीछे लोगो आ रहा है हमारा और लोगो की रिफ्लेक्शन आगे आ रहा है, पीछे आपकी शैडो जा रही है, बिल्कुल मतलब एकदम मैजिकल हमने वो किया हुआ है। एंड दैट्स हाउ वी क्रिएट दिस मैजिक। तो अगर आपको अपनी कंपनियों की कंपनी में किसी की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करना है या अपनी कुछ अचीवमेंट्स दिखानी है कि आप लोग ने कहाँ से कहाँ पहुँचे या कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी हो, तो ये सारे एनिमेशन यूज करके आप लिटरली यू कैन ब्रिंग योर पावर पॉइंट अलाइव। एंड इवन इन कॉर्पोरेट कंपनीज यू कैन एनहांस योर प्रोजेक्ट्स बाय डूइंग दिस। सो टू क्रिएट मोर फायरवर्क्स इन योर पावर पॉइंट डू विजिट rkphotomagictricks.com एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर फेसबुक पेज। So where can you find the preview video and other information about RK and Ashir? Just Google RK Photo Magic Tricks with an X and you will see everything.
And for all inquiries and help regarding PowerPoint presentations, please contact Arshir via arshir@gmail.com. That's arkshya@gmail.com. And RK via rkphotomagictricks@gmail.com.